जुमे की वजह से रश जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, ईद जैसा रश होता है। ये जी यहाँ की पार्किंग है, ये जो होटल वगैरह वाली शटल यहाँ पे आते हैं बिल्कुल ये क्लॉक टावर के नीचे ही समझे यहाँ से गुजरेंगे हाजी सारे। आज जुमे का दिन है और काफ़ी जो है ना रश वगैरह देखने को मिल रहा है ज़ायरीन का, क्योंकि जुमे के दिन लोकल यहाँ पे जो सऊदी हैं उनको छुट्टी होती है उमरा करने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए जुमे की, तो यहाँ पे फिर ये आते हैं। अब यहाँ से सीधा आगे निकलेंगे। रश काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं जगह कहाँ पे मिलती है। कोशिश तो करते हैं कि मस्जिद के अंदर ही जगह मिल जाए और जुमा नमाज वहाँ पे अदा करें। और अक्सर अकवात ये होता है कि रश इतना होता है कि आपको जो है रोड के ऊपर पढ़नी पड़ती है नमाज। अभी जा रहे हैं ये सामने, ये देखें अभी ये क्लॉक टावर के नीचे यानी कि हम गुजर रहे हैं पार्किंग में से। ये देखें जी माशाल्लाह ऊपर वाली साइड पर आ गए सहन में। अभी देखते हैं किस साइड पे फिर जाते हैं, जगह मिलती है और वहाँ पे फिर बैठते हैं जुमे की नमाज का वेट करते हैं, फिर नमाज अदा करेंगे। ये सामने दारुल तौहीद है और ये मक्का टावर हो गया, ये जो है ये क्लॉक टावर है। सीधा शारा इब्राहिम वाली साइड पे यही यहाँ से यही रोड जाती है मिसबिला कुबरी की तरफ। ये जी सामने दारुल तौहीद, यहाँ पे जो है सिम वगैरह भी यहाँ से आपको मिल जाती है अगर आपने जिद्दा वगैरह से नहीं ली। इस साइड पे बाबे फहद मेन गेट जो है यही है हरम का। अभी हम जा रहे हैं वो सामने वाली बिल्डिंग जो न्यू एक्सटेंशन हुई है हरम की, उस साइड पे इंशाल्लाह आज जुम्मा अदा करते हैं। ये देखें माशाल्लाह उमरा ज़ायरीन जा रहे हैं जी अंदर। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली है, आगे खाना खाएंगे क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया, सीधा इधर आ गए थे। और जुमे की वजह से रश जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, ईद जैसा रश होता है तो जगह नहीं मिलती, तो इसलिए जो है ना टाइम से यहाँ पे आ गए कि नाश्ता जो है दोपहर का खाना एक साथ ही खा लेंगे। अब आप